हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ क्लर्क लास्ट 25 डेज प्लान। ऑब्वियसली बात है, क्लर्क के लिए आपके पास 25 डेज नहीं है, 25 डेज आपके पास सिर्फ अभी आरआरबी पीओ के लिए, जिनका भी पेपर 20th या 21st ऑफ अगस्त को है उनके लिए स्ट्रेटेजी प्लान है। अब लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर ये प्लान तो आप बहुत दिनों से बता रहे हो, आपने 2 महीने का भी बताया था, 3 महीने का भी बताया था, एक 6 महीने का भी बताया था जब SBI क्लर्क को लेके आए थे, तो इसमें क्या नया होने वाला है। अब देखो, 25 दिनों का प्लान जब आपके पास होता है ना, तो दो तीन चीज़ें आपके साथ माइंड में सेम टू सेम चलती रहती है। एक तो चलते रहते हैं कि क्या मैं मॉक टेस्ट पे फोकस करूँ, या दूसरा कि मैं अपने टॉपिक जो मेरे छूट रहे हैं, जिसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं उसको कवर कर लूँ। तो इस सेशन में इन्हीं दोनों पॉइंट पर बात करूँगी कि आपको अभी इस टाइम पर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या फुल आपके चैप्टर वाइज आपको तैयारी करनी चाहिए। देखो, अगर आपका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं मान लो रेशियो प्रोपोर्शन आपका चैप्टर नहीं हुआ, और आपको पता है कि रेशियो प्रोपोर्शन करने में आपका 2 से 3 दिन जाना है या 4 दिन भी चला जाएगा, तो 4 दिन में अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो 25 दिन में कितने, 5 से 6 चैप्टर, और उस 5 से 6 में कितने नंबर बनने हैं, 6 नंबर बनने हैं। तो क्यों ना इनको मॉक टेस्ट के थ्रू ऐसा कवर किया जाए कि जो स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसमें मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, क्यों उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। तो इसलिए मैं अभी फोकस करने वाला हूँ कंप्लीट जो आपका मॉक टेस्ट प्लान पे। तो जो आपका लास्ट 25 डेज का प्लान होने वाला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हो। उम्मीद करता हूं कि जो 25 दिन होने वाले आपके, आप कहीं ना कहीं उसमें अपना 8 से 10 घंटा मिनिमम दे रहे होगे तैयारी को, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत करी है पिछले 3 महीने, पिछले 4 महीने, पिछले 6 महीनों से अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एग्जाम डे के लिए कर रहे हो ना, कि एग्जाम डे वाले दिन अपन फोड़ के आ जाएंगे पेपर को। तो अभी जब 25 दिन बचे हुए आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी मिनिमम से मिनिमम 10 घंटे अपना टाइम दे रहे होंगे। तो देखो, आपको करना क्या है, डेली का कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब 2 प्रीलिम्स के आपके आरआरबी पीओ के, और एक आपका प्रीलिम्स क्लर्क का लग रहा होगा, ठीक है। अब जब आप 2 पीओ का लगा रहे होगे और साथ साथ एक क्लर्क का भी लगा रहे हो, तो क्लर्क में आपकी, आपको पता है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की जरूरत है, और तगड़ी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का 75 प्लस आपका जाना ही जाना है। तो अगर 75 प्लस में आपको जाना है, तो आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए, तभी जाके करोगे। सेकेंड, पीओ की बात कर लेते हैं। पीओ के एग्जाम में आपको पता है कि 55 प्लस कट ऑफ जाएगा आपका, किसी भी स्टेट की बात करो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस कैसे चूज करना है। अब मान लो किसी बच्चे का पीओ के एग्जाम में स्कोर जा रहा है 50, और अगर इस 50 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 30 नंबर जा रहे हैं क्वांट में, 20 नंबर जा रहे हैं रीजनिंग में, या फिर किसी का 30 नंबर रीजनिंग में, 20 नंबर क्वांट में, तो जब आपने 3 मॉक टेस्ट लगाना है, अब ऐसा तो नहीं कि आप एक बार बैठे 3 मॉक टेस्ट एक साथ लगाओगे। पहला मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज किया, दूसरा मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर एनालाइज करोगे, तीसरा मॉक टेस्ट, फिर एनालाइज करोगे। देन आपको चेक करना है कि उस कंप्लीट डे में आपका अगर मैथ्स वीक है या रीजनिंग वीक है, तो उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रीजनिंग वीक है और आप देख रहे हो रीजनिंग में आप 22 मिनट में सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो अब आपको चेक करना है कि आप कहीं पजल में तो नहीं फंस रहे, कहीं आप सिटिंग अरेंजमेंट में तो नहीं फंस गए, कहीं आप कोडिंग डिकोडिंग में तो नहीं फंस गए, या फिर आप सिलॉग्स बनाने में तो नहीं फंस गए। तो अब आपको टॉपिक ढूंढना है कि किस टॉपिक में आप वीक थे। सेम एज अगर आप क्वांट के सेक्शन बना रहे हो, तो आपको चेक करना है कि 22 मिनट में अगर आपने 20 ही क्वेश्चन बनाया, तो क्या आपने अप्रोक्सीमेशन में कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लिया, या फिर आपने क्वाड्रेटिंग में ज़्यादा टाइम लिया, या नंबर सीरीज में टाइम लिया, या फिर DI बनाने में टाइम लिया। क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं ना कहीं 70-80% बच्चे टाइम लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन को पर मिनट बना के सोच के बनाना पड़ेगा, कि एक क्वेश्चन बनाने में आपको 1 मिनट लग सकता है, लेकिन ये जो 3-4 स्कोरिंग टॉपिक है, आपको ये एनालाइज करना है कि इसमें आप ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम है, तो आप 2 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे उन्हीं टॉपिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रीजनिंग में पजल में टाइम लग रहा है, तो मैं पजल के कम से कम 15-20 क्वेश्चन लगाऊंगा। अगर मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अप्रोक्सीमेशन में टाइम लग रहा है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन का 25 क्वेश्चन लगा दूंगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को DI को एनालाइज करने में टाइम लग रहा है, मैं 5 से 10 सेट DI बना देख लूंगा, एनालाइज कर दूंगा उसको। प्लस जब आपको ये एनालाइजेशन भी आपकी हो जाएगी, जब आप यहाँ पे देख लोगे कि आप अपने टॉपिक वाइज आपने मॉक कंप्लीट कर लिया, अगेन आप उसी टॉपिक का जिसका आपको लग रहा था कि वीक, जैसे मान लो कि आपका पजल वीक था तो रीजनिंग, तो उसके बाद आपको रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा डालना है, ताकि यहां पे जो आपका वीकनेस दिखा, पहले आपको वीकनेस फिगर आउट हुआ,
फिर आपने उस वीकनेस को काम किया कि मेरा किस टॉपिक में वीक था, मैं किस टॉपिक वीक था, मैंने उस टॉपिक पे काम किया और सुधार किया। अब क्या मैं 20 से कम 22 क्वेश्चन पे भी जा पा रहा हूँ? आपको ये चेक करना है, जहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन बना रहा था, क्या मैं 22 क्वेश्चन बना पा रहा हूँ? और यकीन मानो, एक दिन में ये चीज़ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, 20 से 21 होगा, 21 से 22 होगा, लेकिन अगर आप 25 दिनों तक, अगले 25 दिनों में आप ये चीज़ें फॉलो करने वाले हो, तो डेफिनेटली ये सेक्शन भी 20 से 30 तक तो ज़रूर पहुंच जाओगे। और एक सेक्शन ऑलरेडी आपका 30 है, जिसकी प्रैक्टिस आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट में कर ही रहे हो। तो अगर एक में 30 और दूसरे में भी 30 आने स्टार्ट हो गए, तो एग्जाम में 60 प्लस तो स्कोर कर रहे हो, और 60 प्लस आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, 55 मोर देन सफिशियंट कट ऑफ जाता है, 50 to 60 के बीच में ही कट ऑफ आपका लाई कर रहा होता है। तो अगर 60 प्लस जा रहे हो, दैट मीन्स आप सेफर साइड हो, आप बिल्कुल सेफ हो, आप मेंस डेफिनेटली लिख रहे हो। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग लास्ट 25 डेज का प्लान। एक बार जरूर बताना सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा प्लान ये, और साथ साथ आप जब डेली वाइज इसको बना रहे हो, तो आपके स्कोर इंक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहे, आपका वीक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इनहेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, साथ साथ आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक रिलेटेड मैं बार बार प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और नहीं बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं किसी एजुकेटर की एक बार वीडियो जरूर देख लो। हर टॉपिक का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके आप वीडियो, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरे से इंप्रूव नहीं हो रहा है खुद ब खुद, देन आप किसी एजुकेटर की एक वीडियो देख लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।